हेलो फ्रेंड, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये संडे का ब्लॉग है, तो ये वाला डांस वीडियो जो आपने देखा होगा, अगर ये वाले डांस वीडियो देखने मेरे तो चैनल पर हैं डांस डांस विद शिल्पी शर्मा, और लिंक भी देती हूँ मैं पुराने चैनल पर, तो आप लोग उधर जाके देखिए। थोड़ा सा डाल दिया है मैंने इस पर। और संडे का दिन था तो बस बेडशीट वगैरह निकाल रही थी, काफ़ी दिन हो गए थे चेंज नहीं की, तो मैंने सोचा कि इसको चेंज कर देती हूँ। सिर वगैरह धुलाई किया था तो बेडशीट निकाली और इनको सभी को पहुँच रही हूँ। ऊपर डेली नहीं मारती हूँ, हफ्ते में मारती हूँ कपड़ा। और एसी पर भी जो ऊपर प्लेट होती है उस पर जम रखा है काला काला, तो उसको हटाया मैंने। इतनी गंदगी निकल रही उस पर से, ये देखिए। मैंने फिर हस्बैंड को बोला, उसको जाली को निकाला उन्होंने और फिर उसको धोया है अच्छे से, जब लगाया है। और देखिए ये जो प्रोडक्टर है, मैंने इससे वो धोया था, कलर कैसा लग रहा है, क्योंकि इस पर टॉयलेट कर दी थी बच्चों ने, तो रक्षाबंधन में ननद वगैरह आई उनके बच्चों ने कर दी थी। तो देखिए इन्होंने धो के जाली को अच्छे से और लगा भी दिया है, सेट कर दिया है। और मैं इधर बेडशीट वगैरह लगा रही हूँ, तो गद्दा हटाना पड़ा था क्योंकि चेयर पर खड़े होकर तब लगाया था, तो बहुत मुश्किल है इस गद्दे को लगाना, बहुत ज़्यादा। मैंने सोचा कि अभी कॉटन की बेडशीट लगाई है मैंने इस पर, और बेडशीट सारी धोने के लिए डाल देती हूँ। दोनों बेडों की धोऊंगी आज, आज बस यही काम है। और गंदा हो गया था, फिर इन्होंने साथ के साथ फैन भी साफ़ कर दिए, फैन भी हो रहे थे, और हफ्ते में फ़ैन हो ही जाते हैं, तो फैन वगैरह करना मेरा काम नहीं है, यही करते हैं, क्योंकि मेरा हाथ नहीं पहुंचता ऊपर। चेयर पर कुछ ना कुछ रखना पड़ता था और फिर गिरने का डर लगता है। एक बार गिर गई हूँ तो उससे बहुत बड़ा सबक मिल गया है। ये लगता है गिरने से हड्डी फटी, नेक में टूट जाती है, वैसे नहीं टूटेगी कुछ भी हो जाए, और टूटने वाली होती है तो थोड़े में ही टूट जाती है, तो इसलिए डर लगता है। तो देखिए सब कुछ सेट करके उसके बाद में मैं झाड़ू मार देती हूँ, झाड़ू मार के और डस्टिंग करूँगी। पानी बोतल रात को इधर रखते हैं तो वो इधर ही रखी है, उठा के नहीं रखी है। और जब धुली हुई बेडशीट बिछाओ ना एकदम से कितनी अच्छी लगती है, और वाइट कलर की है ये वाली, तो गंदी भी जल्दी हो जाती है। वैसे तो मेरा लड़का तो बिल्कुल गंदगी करता ही नहीं है, फिर भी पैर वगैरह ऐसे रख के आ जाओ तो गंदी हो ही जाती हैं। तो इधर देखिए ड्रेसिंग टेबल पर इतनी मेरी साफ़ सफाई करते करते इतना बुरा हाल है कि ड्रेसिंग टेबल पर ऊपर जाले से लगे थे, डिब्बा वगैरह रखे हैं चप्पल वगैरह के, और रुआ रुआ से हो गए थे। तो मैंने इसको चेयर रखी थी तो चेयर को लिया और इस पर अच्छे से साफ़ किया। ये देखिए डिब्बा उतार उतार के और फिर अच्छे से इस पर साफ़ कर रही हूँ। पता नहीं बंद घर में भी कहाँ से धूल मिट्टी इतनी आती है, और मेरे सामने हैं आस पड़ोस में बिल्कुल भी, मतलब इतना कचड़ा सा, कपड़े वगैरह इतने पड़े रहते हैं गठरी गठरी बंधे हुए, उनके घर में कितना कचड़ा होता होगा जो मैं डेली करती हूँ। और बोलते ना कि जिनके दिमाग थोड़ी सी भी सनक घुस जाएगी ये गंदा है, तो होता ही है। और चाय खाने को मन दो पर साफ सफाई जरूरी है मेरी। अब तो वीडियो बनाती हूँ उसकी वजह, मतलब उसमें दिख जाती है कि साफ़ सफाई करती रहती हूँ। वैसे भी मैं बहुत, मतलब मेरा बहुत साफ़ सफाई करती थी। हम मायके में रही थी 2 साल, तो वहाँ तो गांव है, शहर में कल होते थे ना, नहीं है गांव है, फिर भी पता है। पूरे दिन काम करती थी और सिलाई भी करती थी दिन में, और रात को डस्टिंग वगैरह करती थी, अलमारी वगैरह झाड़ती थी। दिन में जितना होता था उतना कर लेती, फिर रात को करती थी, इतना वो रहता था। पर मेरा घर गांव में भी रह के ऐसा रहता था जैसा चमकता एकदम से, तो इधर तो शहर है तो इतना नहीं होता। तो देखिए ये फ़ोटो मैंने उस दिन साफ करके लगाई थी तो टेढ़ी हो गई थी, और अभी टेढ़ी है ही। देखिए मैंने इसको झाड़ा लगाया तो टेढ़ी है, इसको सीधी करूँगी। और ये देखिए सभी पर मैंने अच्छे से कपड़ा वगैरह मार दिया है, तो आ गई हूँ इस बेड को भी, बेड शीट को चेंज करने। और इसको ना ये जो लगाया था मैंने वॉलपेपर, ये ख़राब हो गया है, और इसकी वजह से इधर टंकी है पानी की, तो पूरा दीवार बेकार होगी। सोच रही हूँ पेंट ला के इस पर पेंट ही करा दूँ, क्या करूँ, बोला तो है पर पता नहीं इस पर वो टेल्स वगैरह वो कब लगेगी कब नहीं लगेगी।
तो अच्छा नहीं लगता, बहुत गंदा लगता है वीडियो में आता है तो देखिए इस पर भी मैंने बेड शीट लगा रही हूँ। और दोनों बेडों की सुबह घड़ी आ गई, और पता है दो दो करके खेस वगैरह उनको धोया मैंने। और ये देखिए मैं नहा के आ गई थी, और संडे नहीं था सॉरी मंडे था उस दिन, संडे नहीं था सॉरी मंडे था, तो मंडे का है ये। और मैं नहा के आ गई थी तो मैंने सूट पहन लिया है, मेरे को संडे का ही ध्यान था मंडे का है। और सिर वगैरह धुलाई किया, कपड़े वगैरह देखिए एक पूरा बाल्टी भर जाते हैं, और कपड़े धोने में इतना टाइम लगता है सच में बहुत ज़्यादा, मशीन वगैरह तो नहीं है। तो पहले कपड़ों को डाल देती हूँ अच्छे से, और क्योंकि फुला के और ऐसे ही भीगती नहीं हूँ मैं ब्रश वगैरह, फिर पहले सर्फ में फुला देती हूँ, फिर उसके बाद में उनको साबुन लगा के जब ब्रश मारती हूँ तो बहुत टाइम लगता है धोने में। और कभी कभी ये धो देते हैं तो मुझे पसंद नहीं आते इनके धुले हुए कपड़े, तो खुद से ही फिर मैं धोती हूँ, तो खुद का काम तो फिर खुद लेट होगा ही होगा। तो देखिए कपड़े वगैरह डाल दिए हैं, उसके बाद मैं कंघी कर लेती हूँ बालों में, और सच में स्ट्रेट करा के बालों का क्या हाल हो रखा है। और दोबारा सोच रही हूँ कराऊंगी, और कोई बोल रहा है बाल ज़्यादा खराब हो जाते हैं कराने से, हो तो 1.5 साल गई है मेरे को कराए हुए। और कंघी कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं पूजा वगैरह करूँगी। तो कंघी कर ली है और मैंने चोटी गूँथ ली है, ये बाल खुले खुले ऐसे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, अभी तो गीले हैं। और ये सूखे कपड़े जो थे टावल वगैरह उतार के डाल दिए हैं मैंने, इनको रखूँगी तय बना के। तो चलिए फिर वीडियो को कर लेते हैं एंड, नहीं तो वीडियो भी हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा लंबा। और ये बलियान वगैरह सूखी थी तो थोड़ा सा वैसी थी, तो मैंने डाल दी है इधर, हाथ वगैरह धो लेती हूँ, कपड़े वगैरह इनको रखूँगी। सच में सुबह नहा के जाते हैं तब भी डाल जाते हैं, तब भी उठा के रखने और फिर भी उठा के रखने। तो इधर आ गई हूँ मैं पूजा करने के लिए, और पूजा करने बैठ गई हूँ, टाइम तो काफ़ी हो गया था, और जनरेटर भी चल गया इधर, आवाज़ आएगी थोड़ी सी, वीडियो का भी एंड करने का टाइम है, क्योंकि मकान बनना है इधर तो लेंटर वगैरह पड़ रहा है उसकी वजह से। देखिए मेरी पूजा वगैरह हो गई है, बुक वगैरह पढ़ ली है, तो चलिए फिर बाय, कल मिलती हूँ आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ मैं।